बहुत फर्क पड़ा है, बहुत जानवर को भी फर्क पड़ रहा है, यहाँ दुकानदार को, यहाँ पूजा पाठ कराने वाले 9 लोगों को, ठंड और खरवास को जिस बाहर से पब्लिक बहुत कम आ रहे हैं, कम आ रहे हो ठंडी की वजह से, जो नहा नहीं पा रहे हैं, एकदम बर्फ है पानी एकदम, तो जैसे आते हैं मतवान करके तो चले जा रहे हैं, इसके आगे फिर उसका जो सन्नाटा बहुत छा गया इसमें। लखनऊ समेत कई प्रदेशों में पड़ रही भीषण ठंड शीतलहर से राजधानी वासी हुए परेशान, यूपी अयोध्या जिला सबसे ठंडा हुआ घोषित। यहाँ क्या करते हैं? फूल बेचते हैं। फूल में? अच्छा ये बताइए, क्या ठंड का असर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ा है? हाँ, इससे आप लोगों की आमदनी पर भाई कोई फर्क पड़ा है? डाउन चला रहा है। मैं हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। साथियों, इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में मैं इस समय मौजूद हूँ सरजू घाट अयोध्या, जहाँ की कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। थोड़ी गुनगुनी धूप निकली तो देखिए यहाँ कुछ चहल पहल दिखाई दे रही है, और यहाँ जगह जगह स्नान ध्यान करने वाले आ रहे हैं। इस समय अयोध्या प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान घोषित हुआ है, यहाँ का पारा 2 सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुँच गया है, बावजूद इसके कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ अयोध्या में ज़्यादातर लोग पहुँच रहे हैं। फिलहाल प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस समय सरजू तट पर बहुत कम भीड़ देखी जा रही है। अगर यहाँ के पंडा पुजारियों की माने तो एक तो खरमास चल रहा है, दूसरे इस समय ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते यहाँ पर स्नानार्थियों की भीड़ बहुत कम हो गई है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ सरजू जी के किनारे अपनी रोजी रोटी चला रहे पंडों पुजारियों व मालियों की हालत इस समय गड़बड़ हो गई है, इन लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल आज कुछ गुनगुनी धूप निकली तो धीरे धीरे लोग स्नान के लिए आ रहे हैं। आइए अभी हम आप लोगों को बात कराते हैं यहाँ के पंडा लोगों से, यहाँ पर फूल माला बेचने वालों से, मालियों से, और यहाँ पर नाव चलाने वाले नाविकों से। आइए हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको बात करा रहे हैं। आते हैं, देखिए ये भाई साहब, ये देखिए फूल माला बेच रहे हैं, अभी इनसे हम बात कराते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? सरजू प्रसाद निषाद। तो कितने दिन से यहाँ फूल माला आप बेच रहे हैं? यहाँ तो बाबूजी बहुत, हमारे बाबा भी दादा सब बेचते चले, यहीं से बेचते चले, मतलब बाप माता ही सब बेच रहे हैं, हम भी लोग बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि समय खरमास चल रहा है और ठंड भी बढ़ गई है, तो क्या इससे आपके रोजी रोटी पे कुछ फर्क पड़ा है? बहुत पड़ा इसमें, अब इसमें तो यात्री बहुत कम आ रहे हैं, ठंडी की वजह से जो नहा नहीं पा रहे हैं, एकदम बर्फ है पानी एकदम, और जैसे आते हैं मतवान करके तो चले जा रहे हैं, इसके आगे फिर उसका जो सन्नाटा बहुत छा गया इसमें। अच्छा, पिछली बार इस महीने में आप लोगों की आमदनी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं तो बाबू जी, इसमें तो कुछ राम मंदिर की वजह से कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, नहीं तो एकदम भी सन्नाटा हो जाता था। आइए अभी हम आपको बात कराते हैं कि यहाँ के सरजू के किनारे पंडा पुजारियों से कि इस कड़ाके की ठंड और खरमास के चलते इनके रोजी रोटी पर कितना फर्क पड़ा है। आइए हमारे साथ बने रहिए, आइए आपको हम बात कराते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार पांडे। यहाँ कब से आप पंडा का काम कर रहे हैं? करीब 20 वर्ष हो गया। ये बताइए, इस समय खरमास का महीना चल रहा है और ठंड भी बढ़ गई है, तो इससे आप लोगों के धंधे पर कोई फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत जानवर को भी फर्क पड़ रहा है, यहाँ दुकानदार को, यहाँ पूजा पाठ कराने वाले 9 लोगों को, ठंड और खरमास को जिस बाहर से पब्लिक बहुत कम आ रहे हैं, केवल गंगा सागर यात्रा वाली चल रही है, उसी से सबका थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा है। नहीं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम श्रद्धालु आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, यात्रा वाले तो आ रहे हैं, जो बाहर के लिए जा रहे हैं, जो यूपी उत्तर प्रदेश लोकल के जाते थे और अगल बगल के जाते, जिससे सभी का व्यवसाय चलता था, दुकानदार पंडा सबका, उसमें तो खैर अभी दिक्कत है ठंड और खरमास के कारण। देखिए हम आपको बात कराते हैं यहाँ सरजू के किनारे सरजू घाट पर फूल माला बेचने वालों से, और जिनका ये कहना है कि एक तो इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दूसरे इस समय खरमास पड़ गया है, जिससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम हो गई है।
हाँ भाई, आपका शुभ नाम? रोहित। यहाँ क्या करते हैं? फूल बेचते हैं, फूल में। अच्छा, ये बताइए क्या ठंड का असर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ा है? हाँ, इससे आप लोगों की आमदनी पर भाई कोई फर्क पड़ा है? डाउन चला रहा है। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।